टेक्नोलॉजी वर्ल्ड फॉर विजुअली चैलेंज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यह आपका चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड फॉर विजुअली चैलेंज है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? थोड़ा टेंशन में हो क्या? क्या है आपका टेंशन? समझ गया हूँ आपका टेंशन। तो आपका टेंशन ये है ना, आप जब अनप्रेजेंट हो, आपका लैपटॉप कोई मिसयूज कर रहा है, आपका कंप्यूटर कोई मिसयूज कर रहा है, आपका फाइल को डिलीट कर देता है, या आपका फाइल को कोई मिसयूज कर रहा है, ये टेंशन अब छोड़ दीजिए। इस टेंशन के बारे में मैं लाया हूँ आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो, जिस वीडियो को देखने के बाद आप बोलेंगे टेंशन अब लेने का नहीं, टेंशन अब देने का है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पासवर्ड कैसे लगाना है हमारा सिस्टम में, पासवर्ड कैसे लगाना है हमारा पेन ड्राइव में, पासवर्ड कैसे लगाना है आपका सारे ड्राइव में और सारे फोल्डर में। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे फुल वॉच टाइम दीजिए। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, यह आपका चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड फॉर विजुअली चैलेंज। तो आइए दोस्तों हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं हमारे सिस्टम में हम देखेंगे। तो पासवर्ड लगाने के लिए हमको पहले कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। तो कंट्रोल पैनल को जाने के लिए तरीका तीन होते हैं। कंट्रोल पैनल किसी किसी लैपटॉप और डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप के ऊपर उसका आइकन होता है, तो कभी कभी डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल नहीं मिलेगा। जिन दोस्तों का कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पर नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस्केप को प्रेस करेंगे, आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विंडो की को एक बार प्रेस करेंगे तो आपका मेनू आ जाएगा, फिर सी प्रेस कर देंगे तो सी प्रेस करने से कंट्रोल पैनल आपको मिल जाएगा। मेरा डेस्कटॉप में कंट्रोल पैनल है, मैं इसलिए डेस्कटॉप पर ही सी प्रेस कर रहा हूँ। देखिए तो मैं कंट्रोल पैनल मुझे मिल गया है, तो कंट्रोल पैनल से मैं एंटर करूंगा। तो कंट्रोल पैनल से एंटर करने के बाद हम जाएंगे तो कंट्रोल पैनल से एंटर करने के बाद यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, इस आइकन पर आकर हमें एंटर करना है। तो यहाँ पर मिल गया हमको यूजर अकाउंट लिंक। तो यूजर अकाउंट लिंक से हमें यहाँ से अगर हम एंटर करेंगे तो हमें पासवर्ड देने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो हमें टैब से फिर एक बार यूजर अकाउंट लिंक को तलाशना है। तो टैब से हमें यूजर अकाउंट के ऊपर जाना है। तो देखिए यूजर अकाउंट लिंक हमें मिल गया है, यहाँ पर हमें एंटर करना है। क्रिएटेड पासवर्ड फॉर अकाउंट लिंक इस पर हमें एंटर करना है। न्यू पासवर्ड एडिट, तो यहाँ पर हमें जो पासवर्ड लगाना है वही पासवर्ड डालना है, हमें पासवर्ड जो लगाना है हमें यहीं पर डालना है। start. मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगाया है 123123, तो फिर टैप करेंगे तो कन्फर्म न्यू पासवर्ड एडिट, जो पासवर्ड हमने पहले लगाया था वही पासवर्ड यहाँ पर भी लगाएंगे। जो पासवर्ड मैंने वहाँ पर दिया था वही पासवर्ड यहाँ पर दिया, फिर उसे टैप करेंगे। हाउ टू क्रिएट एड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिंक, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लिंक करेंगे, अगर हम कभी पासवर्ड भूल जाएंगे तो फॉर्मेट करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है पासवर्ड खोलने के लिए। लेकिन पासवर्ड खोलने के लिए बहुत तरीका है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिंक कर देने से, फॉर्मेट करने से और कुछ रास्ता नहीं होगा आपको खोलने के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, हमें सीधा टैप करना है। टाइप और पासवर्ड हिंट, ये एक ऑप्शन है, मैंने तो 123123 दिया है, तो इसे कुछ देने के लिए मुझे बचा नहीं कुछ। तो आप अगर आपका मोबाइल नंबर दिया है पासवर्ड, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माई मोबाइल। तो आप जब पासवर्ड आपका याद नहीं आएगा तो ये आपको शो करेगा माई मोबाइल, तो मोबाइल से आपको पता चल जाएगा आपका मोबाइल नंबर ही पासवर्ड है। ये ऑप्शन कभी कभी पासवर्ड भूल जाने से वो याद कर देता है। अगर आपने पासवर्ड भूल जाने के कोई चांसेस है तो यहाँ पर अपना हिंट दे सकते हैं, आपका मोबाइल या आपका बेस्ट फ्रेंड जिसके नाम पर आपका पासवर्ड है वहाँ यही लिखिए। अगर आपने कोई दोस्त के नाम से आपका पासवर्ड बनाया है तो यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड लिखिए, माई बेस्ट फ्रेंड लिखने से आपको पता चला जाएगा।
तो यहाँ पर फिर टैप करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है क्योंकि पासवर्ड हमको नहीं बोलना है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द पासवर्ड हिंद लिंक, तो हिंद पासवर्ड में जो लिखना है सेम चीज़ लिखना है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। हिंद में कुछ ले ही लिखा था, तो इसमें यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा टैप करेंगे तो क्रिएट पासवर्ड। तो ये क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड को यहाँ पर हम स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। देखिए देखिए पासवर्ड क्रिएट हो गया है, और एक ऑप्शन आ गया है चेंज योर पासवर्ड लिंक। अगर चेंज पासवर्ड को आपको चेंज करना है तो एक बात याद रखिए, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप पहले पासवर्ड को रिमूव कीजिए फिर चेंज कीजिए, क्योंकि चेंज करने से कभी कभी ये गलत तरीके से ले सकता है आपका पासवर्ड को। तो आप चेंज करके जो पासवर्ड डालेंगे वो उसके साथ कुछ पुराने पासवर्ड भी ले जाता है, इसलिए आपको पासवर्ड रिमूव करने या पासवर्ड को एंटर करने से तकलीफ होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा पासवर्ड रिमूव कैसे करेंगे हम सीखेंगे। तो रिमूव योर पासवर्ड लिंक, तो यहाँ से एंटर करने से पासवर्ड रिमूव करने के लिए तरीका आएगा। फिर मैं बैक करता हूँ, और बैक करके मैं फिर कंट्रोल पैनल में आऊँगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे पासवर्ड को कैसे रिमूव करना है। देखिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पर मैं फिर सी प्रेस करूंगा। तो कंट्रोल पैनल मेरा आ गया है। Control panel items, action center link, land category button to activate, press space bar, search box edit, type button, category button, user accounts and family safety link. User account family safety link पर फिर मैं आ गया हूँ, यहाँ पर enter करना है। Enter control panel home link, user accounts link. User account link, यहाँ पर enter करने से हमको password देने के लिए space नहीं मिलेगा, change करने के लिए या remove करने के लिए, tab पे फिर तलाशना है हमको। Tab, search tab, control tab, system tab, network tab, cards tab, program tab, appearance tab, clock, language, and read tab, ease of access link, tab, user accounts link. तो user account link हमें मिल गया है, तो यहाँ पर enter करना है। चेंज योर पासवर्ड लिंक, चेंज योर पासवर्ड लिंक में कुछ नहीं करना है, हमें रिमूव पासवर्ड पर जाना है। रिमूव योर पासवर्ड लिंक, यहाँ पर हम एंटर करेंगे करंट पासवर्ड, जो पासवर्ड लगाया था हमने वही पासवर्ड डालना है। तो रिमूव पासवर्ड, यहाँ पर स्पेस करेंगे तो पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। User accounts, create a password for your account. देखिए मेरा पासवर्ड भी रिमूव हो गया है, तो आप इसी तरह आपका सिस्टम में पासवर्ड लगा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और फिर एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा आपका फोल्डर को कैसे पासवर्ड करना है, आपको ड्राइव को कैसे पासवर्ड करना है, आपका पेन ड्राइव को कैसे पासवर्ड लगाना है। तो मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपको सिस्टम को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने के लिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर 9337108904। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।